Yes. Good morning, students. Today we study about the chapter 8, let's try 6. बच्चों, हमारा चैप्टर जो इनकम्प्लीट लिस्ट है उसमें हमने द प्रीवियस डे कल हमने लेट्स टाइप 5 के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और टुडे हम लेट्स टाइप 6 है उसमें करते हैं। तो आप सब मेरे साथ में सभी बच्चे पेज नंबर 22 है, इंग्लिश सीबी कोर्स बुक है वो ओपन करेंगे और टुडे हम लेट्स टाइप 6 है वो हम करते हैं। ओके, तो आप सभी बच्चे हैं मेरे साथ में कोर्स बुक है ओपन कर लेंगे और देखिए इसमें दिया है कि रीड दिस पैसेज, इस पैसेज को रीड कीजिए, अंडरलाइन द वर्ड स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू एच टी एच एंड पी एच एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। ओके, एक पैसेज दिया है यहाँ पर देखिए लेट्स ट्राई 6 में और इसमें क्या करना है उसके लिए आप जो हेडिंग दी है उसको ध्यान से आप रीड कीजिए और हेडिंग में दिया है कि रीड दिस पैसेज, यानी इस पैसेज को पहले क्या करना है आपको अच्छे से रीड करना है, उसके आपने अंडरलाइन द वर्ड स्टार्टिंग विथ, यानी फिर क्या करना है अंडरलाइन करना है, किस वर्ड को अंडरलाइन करना है, इसमें लिखा है विथ डब्ल्यू एच, यानी जो वर्ड डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच से स्टार्ट है उस वर्ड को अंडरलाइन करना है, टी एच जो वर्ड टी एच से स्टार्ट है उसको अंडरलाइन करना है एंड पी एच और जो वर्ड पी एच से स्टार्ट है उसको अंडरलाइन करना है एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम और उसके आफ्टर नीचे जो कॉलम दिए हुए हैं डब्ल्यू एच टी एच और पी एच का उस कॉलम में, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से कितने वर्ड है जिनको हमने अंडरलाइन किया है उनको राइट करना है और टी एच से कितने वर्ड हैं स्टार्ट उनको राइट करना है और पी एच से कितने वर्ड स्टार्ट हैं उनको राइट करना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो बच्चों जो पेसेज दिया है मैंने यहाँ बोर्ड पे राइट किया है, आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए। देखिए इसमें राइट है रीना एंड थिया आर थिक फ्रेंड्स। ओके, रीना एंड थिया आर थिक फ्रेंड्स वेयर वर, अब देखिए वेयर वर फिर आ चुका है तो वेयर वर का मीन क्या है यानी डब्ल्यू एच वर। ओके, तो वेयर वर है वो किससे स्टार्ट है डब्ल्यू एच से, आ गया। तो इसको अपन क्या करना है अंडरलाइन करना है कि वेयर वर वर्ड जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, तो वेयर वर रीना गोज थिया फॉलोज। ओके, तो टी एच यहाँ पर थिया में क्या आया है पी एच, तो यहाँ टी एच को अंडरलाइन करेंगे, वैसे पहले टी एच है यहाँ थिया ऊपर आया तो इसको भी आपको क्या करना है अंडरलाइन करना है। ओके, यहाँ थिक में देखें इस ये टी एच से स्टार्ट है इसलिए इस वर्ड को भी हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है थिया फॉलोज, रीना हैज ए फोटो इन हर रूम, रीना हैज ए फोटो इन हर रूम, तो यहाँ फोटो में हम देख रहे हैं पी एच, अर्थात फोटो जो वर्ड है वो पी एच से स्टार्ट है इसलिए हम इसको क्या करना है हमें इसको भी अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट देखें कि रीना हैज ए फोटो इन हर रूम, इट इज कैप्ट नियर द फोन। ओके, तो फोन वर्ड आया है तो ये पी एच से स्टार्ट है इसलिए इसको हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इट इज ए फोटो, यानी फोटो वर्ड फिर से क्या है रिवाइज हुआ है, तो रिवाइज हुआ है तो फिर से हम इसको क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये भी पी एच से स्टार्ट है। यस, तो इट इज ए फोटो ऑफ दीज, अब दीज में देखें यहाँ टी एच से स्टार्ट है। ओके, इस कारण से इसको हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे।
टी एच ओके यस इट इज ए फोटो ऑफ दीज टू फ्रेंड्स थिया अब फिर से आ गया है यहां पर तो इसको अपन क्या कर देंगे अंडरलाइन करेंगे ओके इट इज अ विसलिंग व्हाइल रीना विस्पर तो देखो यहां पर ये क्या है विसलिंग विसलिंग में से क्या है डब्ल्यू एस से स्टार्ट है इसलिए विसलिंग को क्या करना है अंडरलाइन करना है फिर व्हाइल ओके व्हाइल डब्ल्यू एस से स्टार्ट है इसका डब्ल्यू इसको भी क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे रीना विस्पर विस्पर तो डब्ल्यू एस से फिर स्टार्ट हो गया है इसलिए इसको क्या करेंगे अंडरलाइन रीना विस्पर ए जोक इन हर ईयर ओके तो फिर है वोट तो वोट की डब्ल्यू एस से फिर स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसे क्या करना है अंडरलाइन करना है अबाउट ए फाइन फोटो फोटो में फिर क्या है पी एच अर्थात पी एच से स्टार्ट इसका इसको क्या करेंगे हम अंडरलाइन करेंगे रीना लव्स दिस फोटो रीना लव्स देखो टी एच पी एच आ गया है तो फिर टी एच को हम क्या करेंगे दिस को ओके अंडरलाइन करना है फिर फोटो तो पी एच यानी फोटो इसको अंडरलाइन करेंगे ओके स्टूडेंट्स अभी हमने ये देख लिया है कि भी कौन से वर्ड है वो टी एस से स्टार्ट है कौन से डब्ल्यू एच वर्ड से सॉरी डब्ल्यू एच से स्टार्ट है और कौन से पी एस से स्टार्ट है तो जिन वर्ड को हम क्या करके हैं हमने अंडरलाइन किए हैं वो वर्ड्स हमें जैसे बुक में क्या दिए हैं कॉलम दे रखे है ना डब्ल्यू एच टी एच और पी एच इस कॉलम में क्या करना है फिल करना है तो आप अच्छे से अंडरस्टूड आपको हो गया होगा आप अच्छे से फिल कर सकते हैं इसको लेकिन फिर भी मैं फिल कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए ओके तो मेरे साथ में आप ओपन कर लेंगे और अभी क्या है इसको फिल कर लेंगे तो सबसे पहले हम देखें इसमें डब्ल्यू एच वर्ड से कौन से वर्ड हैं वो आए हैं सो हम राइट करेंगे तो जो डब्ल्यू एच है वो वाले हम केस बना लेते हैं इसमें ओके तो सबसे पहले क्या है था वेयर वर्ड तो वेयर वर्ड हम यहाँ राइट कर देंगे डब्ल्यू एच ई आर ई वी आर यानी वेयर वर्ड नेक्स्ट था इसमें डब्ल्यू एस ए और वो है विसलिंग ओके यानी विसलिंग से पहले भी आया था और डब्ल्यू एस ए ओके विसलिंग डब्ल्यू एस आई एस टी डब्ल्यू एच आई एस टी एल आई एन जी विसलिंग विसलिंग फिर है वाइल वाइल डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल और फिर है विस्पर डब्ल्यू एच आई एस ई आर एस विस्पर विस्पर्स और एक वर्ड है डब्ल्यू एस ई वोट कितने वर्ड हो गए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वर्ड है जो इस पैसेज में आए ओके तो ये आपका डब्ल्यू एस का हो गया है नेक्स्ट लिखा है पी एच पी एच से कौन से वर्ड है वो स्टार्ट है वो आपको यहाँ राइट करना है तो पी एच से सबसे पहले आया था यहाँ पर दिया पी एच ई ए ओके नेक्स्ट आया है थिक थिक ओके टी एच आई सी के टी एच आई सी के थिक और थिक के आफ्टर आया था फिर से रिवाइज हुआ था दिया का नेम तो वो हम राइट कर दें ओके और इसके आफ्टर
टू बार थ्री टाइम है ये रिवाइज हुआ है टीएस से, तो हम थ्री टाइम ही इसको हम राइट कर देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये था टीएस से स्टार्ट होने वाले वर्ड, और इसके आफ्टर है पीएच, यानी पीएच से कौन से वर्ड हैं वो स्टार्ट हैं वो हम देखें इसमें। तो वो आया है सबसे पहले पीएच से आया है इसमें, यानी फोटो, पीएचओ फोटो। ओके फिर है फोन, PHONE, फिर आया है फोन, और फिर फोटो है, फिर रिवाइज हुआ है फोटो, तो हम इसको फिल कर सकते हैं फोटो, फिर फोटो रिवाइज हुआ है। ओके तो 1, 2, 3, 4 यानी 5 टाइम इसमें फोटो रिवाइज हुआ है। ओके तो 5 टाइम आप है फोटो राइट कर देंगे इसमें। ओके तो 3 टाइम हो गए, 2 टाइम और करते हैं, PHOTO फोटो, और PHOTO यानी फोटो वर्ड है वह 5 टाइम रिवाइज हुआ है, सो हमने यहाँ पर 5 टाइम है फोटो रिवाइज की है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपने ये लेट्स टाइप सिक्स है तो आपने राइट कर लिया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई इसको आपको फिल करने में, तो आप मेरे से आस्किंग कर सकते हैं। ओके और ये बुक में ही फिल कर लेंगे, नोटबुक में क्या रहने देंगे इसको, है ना, केवल बुक में फिल करना है और इसको रिवाइज करना है लेट्स टाइप सिक्स को। ओके थैंक यू।